हेलो, वेलकम टू माय चैनल. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. लेट अस रिवाइज एंड देन वी विल गो टू डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन ऑलवेज. इसमें क्वेश्चन आता है या तो विंडो 2000 पे आता है पूरा उसका आर्किटेक्चर उस पर, या फिर लिनक्स पे सेपरेट भी आता है, और समटाइम्स इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन भी आ जाता है. तो इसमें मैं सारा कुछ कवर करूंगी. सबसे पहले हमने जो अपने प्रीवियस वीडियो में किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो नाउ वी विल As I already said, operating system is the interface between software and hardware. Software और hardware के बीच का जो interface है, जो इन दोनों के बीच में communication software और hardware के बीच में, यह operating system के जरिए ही होता है. और ये इसकी definition है. और इसकी एक और डेफिनेशन है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज. विदाउट अ कंप्यूटर ऑपरेटर सिस्टम अ कंप्यूटर वुड बी यूजलेस. और इधर पर आप देख सकते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, जो एक कम्युनिकेटर या एक एज ए मीडिएटर का वर्क कर रहा है. तो आप एक और डायग्राम के जरिए अच्छे से समझ सकते हैं. और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, हार्डवेयर जो डिवाइसेस हैं, कहाँ किस किस चीज़ों से ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्टेड. एप्लीकेशन से मॉनिटर, डिस्क, माउस और मॉनिटर के जरिए वो आउटपुट शो करता है. डिस्क ड्राइव के जरिए फाइल्स वहाँ पे स्टोर होती हैं, और माउस के जरिए हम पॉइंट करते हैं चीज़ों को और क्लिक करते हैं और चीज़ें देखते हैं, और कीबोर्ड भी टाइपिंग के लिए. तो ये सारा चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स हैं. और ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो हमें सपोर्ट करता है पूरा सारा जो सॉफ्टवेयर है सारा कुछ. तो कितने टाइप के होते हैं, सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग इंटरैक्टिव रियल टाइम मैच प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीव, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे. और कितने टाइप्स के होते हैं ये देख लीजिए. अभी आजकल जो एप्पल में मैक ओएस यूज़ हो रहा है, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एंड्रॉयड, iOS. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल बैच सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम. ये सब क्या क्या वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. इनपुट आउटपुट को हैंडल करता है, रिकॉग्नाइज करता है कोई नया डिवाइस अगर हम अटैच करते हैं, पुराने भी हम चेक कर सकते हैं. फाइल और फोल्डर्स को मैनेज करता है, और शेयर आउट सिस्टम मेमोरी को शेयर करता है, हैंडल सिस्टम जो एरर्स होते हैं उनको हैंडल करता है, और अलर्ट भी करता है यूजर को, और सिक्योरिटी सिस्टम को मैनेज करता है, कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर, एंड डेटा को मूव भी करता है हार्ड डिस्क से. तो ये सारे वर्जन्स हैं इसके, आप देख सकते हैं. और यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये सारा कुछ है इसका. तो ये सारा है जो हम पढ़ेंगे अपने अभी आगे आने वाले वीडियोस में, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटीज. तो यू कैन सी विद दिस डायग्राम. अब हम आएंगे विंडोज और लिनक्स कि विंडोज क्या है और लिनक्स क्या है. तो विंडोज, जब आप अपना जो लैपटॉप या कंप्यूटर आप देखते हैं तो उसमें क्या दिखता है आपको, जैसे आप ओपन करते हैं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये सब कुछ यूजलेस है. तो ये सारा कुछ जो भी हम देखते हैं, आइकन्स होते हैं, ये सब ग्राफिकल यूज ऑफ इंटरफेस है विंडोज में. और विंडोज और लिनक्स में क्या डिफरेंस है ये हम आगे देखते हैं. अवेलेबिलिटी, सबसे पहला है अवेलेबिलिटी. विंडोज जो है बहुत इजीली अवेलेबल है, लिनक्स भी है. विंडोज को क्या है, अगर हमें अच्छी विंडोज चाहिए, काफ़ी लोग क्रैक और पायरेटेड भी यूज़ करते हैं, तो वो तो इजीली मिल जाती हैं, लेकिन उनके लिए भी थोड़ा बहुत तो पे करना ही पड़ता है. दूसरा, अगर हम ओरिजिनल विंडोज़ लेते हैं तो 8 to 9,000 इस टाइप से आती है. तो विंडोज़ जब भी हम खरीदते हैं तो उसको हमें पे करना पड़ता है, बट लिनक्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है. अगर लेकिन लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो इजीली आपको मिल जाता है, और विंडोज के लिए आपको पे करना पड़ता है. नाउ वी कम टू सिक्योरिटी. अगर हम सिक्योरिटी का देखें तो हमारे जो यूजर्स हैं, सबसे ज्यादा यूजर्स विंडो यूज करते हैं, और लिनक्स काफी कम लोग यूज करते हैं. तो जो हैकर्स भी हैं वो उस जगह पे हैक करते हैं, वहां पे सारी चीजें करते हैं जहां पर जो लोग ज्यादा यूज करते हैं, जहां ज्यादा एसेस होती है, हैकर्स वहीं पे हैक करते हैं. ऐसा नहीं है कि लिनक्स में नहीं होता ऐसा, पर ये सिक्योर है एज कंपेयर टू विंडोज. और दूसरा कि लिनक्स को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपने तरीके से हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं. तो ये सबसे अच्छा इसका जो बेनिफिट है कि हम इसको अपने तरीके से
चेंज कर सकते हैं, पर हम विंडोज को चेंज नहीं कर सकते और ना ही हम इसका सोर्स कोड देख सकते हैं। लेकिन लिनक्स का अगर हम इसको रजिस्टर यूजर बन जाते हैं तो शायद उसमें थोड़ा पेमेंट होता है, तो हम कोड सोर्स कोड देखकर हम उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यूजेबिलिटी मैंने आपको बताया है कि विंडोज को ज्यादा लोग यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत इजी है, इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, सारे फीचर्स हैं, तो इसीलिए ज्यादातर लोग यूज करते हैं विंडोज। लेकिन अगर हम सर्वर्स में देखें, आपका जो एंड्रॉयड सिस्टम है ये लिनक्स से बना हुआ है, तो सर्वर्स में ज्यादातर लिनक्स ही यूज होता है बिकॉज ये सिक्योर है। बेस हमारा जो बेस है जो हम विंडोज में देखते हैं, तो विंडोज जो है हमारा किसमें बना है, C++ असेंबली लैंग्वेज इन सबको मिला के बना है। लेकिन हमारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सी में बना हुआ है, और दूसरा जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो ये कमांड बेस है, तो इसीलिए सिक्योर है क्योंकि इसको हैक करना इतना आसान नहीं है, और इसीलिए इसको बहुत कम लोग भी यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली सर्वर्स में यूज हो रहा है। और जो आपका गूगल आप देखते हैं और आप यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, सारे लिनक्स के जरिए ही बने हुए हैं। नाविक और अमेजन फोल्डर एंड फाइल्स, हम अगर अपने कंप्यूटर पे देखते हैं विंडोज में, तो विंडोज में हम क्या करते हैं, हम कुछ फोल्डर होते हैं, फोल्डर्स में हम अपनी फाइल सेव करते हैं कुछ, तो क्या होता है कि लिनक्स में जो भी चीज़ है उसको एज ए फाइल ही ट्रीट किया जाता है, और जो फोल्डर है उन फोल्डर्स को लिनक्स में कहा जाता है डायरेक्टरीज। में टर्मिनल्स होते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है विंडोज से, लेकिन विंडो है इजी टू यूज है तो इसीलिए ज्यादातर लोग उसको ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन लिनक्स है कि हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये एक कंपैरिजन और है, ये देखिए लिनक्स ओपन सोर्स है, विंडो क्लोज सोर्स है, ये फ्री है और ये इसमें कॉस्ट होती है। ये फ्री सॉफ्टवेयर है लिनक्स, ये कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। ये लाइव सीडी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन लाइव सीडी भी होता है, इसका नहीं होता है, ये सिक्योर है, ये इनसिक्योर एज कम्पेयर टू लिनक्स इनसिक्योर है। और हम लिनक्स में कोई भी वायरस या मालवेयर यूज नहीं करते हैं जबकि इसमें करते हैं, एंटीवायरस वगैरह। लो हार्डवेयर कॉस्ट, इसकी हार्डवेयर कॉस्ट बहुत कम है, इसकी हार्डवेयर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कस्टमाइज, क्या हमने ये सुना भी होगा आपने कि अगर आपका कोई भी बहुत पुराना कंप्यूटर है तो आप उसको लिनक्स डाल के स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा चलेगा और फास्ट चलेगा एज कम्पेयर टू विंडोज। इसमें हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, फीचर्स ऐड कर सकते हैं लिनक्स में, लेकिन विंडोज में नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों ने, जैसे Ubuntu है, काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आए हैं अभी जिसमें उन्होंने इन लिनक्स में काफ़ी सारे चेंज करके उसके नए नई चीज़ें और नए सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किए हैं, शायद उनमें कुछ में पेमेंट्स भी है, तो हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है और सिक्योर है। और जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें अभी भी लिनक्स यूज होता है बिकॉज इट इज सिक्योर। नाउ वी कम टू, और ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपको पूछने हो तो। और ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको करके जाइएगा, जरूर आ सकता है। नहीं भी आएगा तो विंडोज़ का 2000 का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, अगर विंडोज़ का आर्किटेक्चर या विंडोज़ के बारे में लिखने के, लिनक्स के लिए आया तो भी ये हमारे से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लिनक्स और इसका मैंने आपको बताया, कॉस्ट बेस आपको बता ही दिया, और लिनक्स जब हम करते हैं तो लिनक्स में क्या होता है, प्राइमरी और लॉजिकल पार्टीशन होता है बूटिंग के लिए, और इसमें विंडोज में प्राइमरी पार्टीशन होता है, सेपरेशन ऑफ द डायरेक्टरी। लिनक्स में हम बैक स्लैश यूज करते हैं और विंडोज में हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। फाइल नेम में लिनक्स में केस सेंसिटिव है बट विंडोज में केस इनसेंसिटिव है। फाइल सिस्टम अगर लिनक्स में देखते हैं तो एक्सटेंशन 2, ext3, ext4, razer.fs, xfs, zfs होता है, जबकि विंडोज में fat32, ntfs और refs होता है। और कैनल, मोनोलिथिक कैनल यूज होता है लिनक्स में, जबकि विंडोज में माइक्रो कैनल यूज होता है। एफिशिएंसी, रनिंग एफिशिएंसी लिनक्स की अच्छी है, इफेक्टिव है,
लोअर देन लिनक्स, लेकिन विंडो की लोअर देन लिनक्स है. लिनक्स फ्री है, आपको पता ही है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये हमें प्रोग्रामिंग और एज वेल एज यूजर इंटरफेस होता है, ये कंपैटिबल है, यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है. और लिनक्स सिस्टम मैनी सेपरेटली डेवलप्ड एलिमेंट्स और रिजल्टिंग इन यूनिक्स सिस्टम विच इज, ये यूनिक्स जो था उसके बाद ही लिनक्स आया था, तो यूनिक्स इसका बेस है. जैसे कि सारी लैंग्वेजेस का जो बेस होता है सी होता है, यहाँ पे लिनक्स का बेस यूनिक्स है. ठीक है, और डेफिनेशन विंडोज का, विंडो एक लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है विच सोर्स इज इनएसेसिबल, इसका सोर्स को हम एसेस नहीं कर सकते हैं. ये एक्सटेंशिबल पोर्टेबल है, मल्टी प्रोग्राम मल्टी ऑपरेटिंग एनवायरमेंट सिस्टम है, सिमेट्रिक है, मल्टी प्रोसेसिंग क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग और इंटीग्रेटेड कैचिंग वर्चुअल मेमोरी है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है. विंडो 10 जो है ये लेटेस्ट रिलीज है हमारा, और माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस, इसमें विंडो शेल ग्राफिकल भी यूज होता है और यूजेस हाइब्रिड कर्नल, हाइब्रिड कर्नल यूज होता है. लिनक्स फ्री है, ओपन सोर्स है, वेयर इज विंडो इज कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम हुज सोर्स कोड इज इनएसेसिबल. विंडो इज नॉट कस्टमाइजेबल जबकि लिनक्स इज कस्टमाइजेबल. लिनक्स प्रोवाइड हाई सिक्योरिटी देन विंडो एंड लिनक्स इन ओपन सोर्स. विंडो मस्ट बूट फ्रॉम द प्राइमरी पार्टीशन और इन कॉन्ट्रास्ट इन नो सच कंस्ट्रेंट इट लिनक्स इट कैन बी बूटेड फ्रॉम आइदर प्राइमरी और लोकल और लॉजिकल पार्टीशन. द सेपरेशन ऑफ द डायरेक्टरी इज डन यूजिंग बैकस्लैश इन विंडो और इन कंट्ररी लिनक्स देयर इज अ सेपरेट बाय यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश. लिनक्स फाइल नेम आर केस सेंसिटिव व्हाइल विंडो फाइल नेम आर केस इनसेंसिटिव. लिनक्स यूजेस मोनोलिथिक कर्नल व्हिच कंज्यूम्स मोर रनिंग स्पेस व्हेयर इज विंडो यूजेस अ मैक्रो कर्नल व्हिच टेक्स लेस स्पेस बट सिस्टम रनिंग एफिशिएंसी इज लोअर देन लिनक्स. तो कंक्लूजन से यही निकलता है कि लिनक्स विंडो दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और इनके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है. विंडो सिंपल टू यूज है बट ये फ्री नहीं है, जबकि ओपन और लिनक्स जो है ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स फ्री है और विंडो नहीं है फ्री, और कस्टमाइजेबल भी है लिनक्स और सिक्योर है बट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर द यूजर्स हैव नो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड. लिनक्स इज मोर रिलायबल देन विंडो, इसको मोर रिलायबल भी माना जाता है. तो आप इसको अच्छे से याद करके जाइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और कमेंट कीजिए. मैं अभी विंडो ऑपरेटिंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड और भी वीडियोस डालने वाली हूँ जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप वो वीडियोज़ का अपडेट्स आपके पास जल्दी से आए और आप देख सकें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है. Thanks for watching.